हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉटेड टेबल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में यहाँ ऊपर देखिए इस साइन पर क्लिक करके पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो पहला काम है पूरी टेबल सेलेक्ट करना। उसके बाद जब टेबल आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको दो नए टैब दिखाई पड़ेंगे, टेबल डिजाइन और लेआउट टैब। तो हमें क्लिक करना है टेबल डिजाइन टैब पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए शेडिंग के बगल में इस एरो पर हमें क्लिक करना है, टेबल स्टाइल के नीचे वाले इस एरो पर। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जाना है मॉडिफाई टेबल स्टाइल पर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि मॉडिफाई स्टाइल का ये विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें इस एरो पे क्लिक करके आपको डॉट वाला जो पॉइंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छा डॉट के भी इसमें कई सारे पॉइंट हैं, आपको जो पसंद हो। तो हम यहाँ पर एक पहला वाला समझाने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी थोड़ी सी जो इसका बॉर्डर की जो विड्थ होती है वो थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं। तो मान लीजिए कि 1:1.5 PT वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां से ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये टेबल डॉटेड बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए,